अगर आपने भी ट्रेन टिकट बुक किया हुआ है और उसे कैंसिल करना चाहते हैं और उसका जो अमाउंट है यानी जो पैसा है उस वो रिफंड पाना चाहते हैं यानी वापस पाना चाहते हैं, तो आप बहुत आराम से ये सारा काम कर सकते हैं अपने मोबाइल से ही, और उसका जो पैसा है आप अपने अकाउंट में पा सकते हैं बहुत आसानी के साथ। इसके लिए आप हमारा पूरा वीडियो देखते रहिए। इस आपको IRCTC के ऐप में यूजर आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन हो जाना है। आपको लॉगिन होने के बाद माई बुकिंग पर क्लिक करना है। माई बुकिंग पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे सारा टिकट शो हो जाएगा, आपने जितना टिकट बुक किया हुआ था। जैसे मैं लास्ट वाला टिकट आपको कैंसिल करके दिखाने वाला हूँ, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं टिकट की सारी डिटेल हमारे सामने खुल के आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं किसके नाम से यहाँ पर टिकट हुए, और इसके बाद यहाँ पर YASH2 है 42 नंबर है सीट नंबर, यहाँ पे सारी डिटेल आ जाएगी कहाँ से कहाँ तक जाना है, वो सारा यहाँ पे ऊपर आपको मिल जाएगा। और सबसे नीचे आएंगे तो यहाँ पे हमें जो है सबसे नीचे ये इंश्योरेंस का है, तो यहाँ पे उसके नीचे यहाँ पे हमने जितना पेमेंट किया है यानी जितना पैसा पे किया है इस टिकट के लिए वो सारा पैसा आ जाता है। यहाँ पे जैसे मैं 598 रुपये टोटल पे किया था इस टिकट के लिए, तो ये हमारा सारा डिटेल आ गया है। तो हमें कैंसिल करने के लिए इस टिकट को यहाँ पे 3 डॉट आपको दिख रहा है सबसे ऊपर कॉर्नर पर, इसी पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर करेंट स्टेटस, कैंसिल टिकट, यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शन आपको आ जाएंगी। तो आपको यहाँ पे कैंसिल टिकट पर आपको क्लिक करना है कैंसिल करने के लिए। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको सबसे नीचे चले आना है, यहाँ पे कैंसिल का ऑप्शन आएगा रेड कलर में, इस पर आपको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपसे पूछ रहा है आप पहले पैसेंजर सिलेक्ट करिए कौन सा आप टिकट कैंसिल करना चाहते हैं। जैसे हमारा एक ही टिकट था तो एक ही टिकट शो हो रहा है, तो यहाँ पर हम एक टिकट कैंसिल करने वाले हैं, तो यहाँ पे इस जो चौकोर बॉक्स है इसी पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब जो है यहाँ पे सबसे नीचे आएंगे कैंसिल वाले ऑप्शन पर, यहाँ पे हम जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं हमसे एक बार फिर पूछा जा रहा है क्या वाकई में आप अपने टिकट को कैंसिल करना चाहते हैं। जैसे हम यहाँ पर कन्फर्म पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये हमारा टिकट जो है कैंसिल हो गया है। देखिए मिनटों में हमारा टिकट कैंसिल हो गया है और हमारा जो रिफंड है वो आ जाएगा। तो यहाँ पे करेंट स्टेटस दिखा रहा है कन्फर्म, यहाँ नीचे कैंसिल का ऑप्शन हमें करेंट स्टेटस यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है, और हमारा रिफंड जो है जैसे 600 रुपये का था तो यहाँ पे 460 रुपये हमारे कुछ पैसे कट के हमारा जो है रिफ़ंड यहाँ पे देखिए शो होने लगा है। ये रिफ़ंड 7 दिन लगता है हमारे अकाउंट में आने के लिए। तो इसी प्रकार से आप अपनी ट्रेन के टिकट को जो है बहुत आसानी के साथ कैंसिल कर सकते हैं। और आप इसका पूरा डिटेल देखने के लिए आपको यहाँ पे सबसे नीचे मैं दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे 598 रुपये का ये पूरा टिकट था यहाँ पे। और पूरा डिटेल देखने के लिए आपको माई ट्रांजेक्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर कैंसिल बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, यहाँ पर आपको कैंसिल टिकट पर क्लिक करके आप जो है जैसे मैं 2 टिकट कैंसिल किया था, एक बहुत पहले किया था एक अभी आप जो किया उस पर हम क्लिक करके सारा डिटेल दिखा दे रहे हैं। ये देखिए हमने जो पैसा पे किया था वो पैसा यहाँ पे आया है, यहाँ पे हमको जो रिफंड मिला हुआ है वो अमाउंट आया हुआ है, यहाँ पे स्टेटस में यहाँ पे कैंसिल लिखा हुआ आ गया है। आप इसी प्रकार से कैंसिल कर सकते। तो जैसा कि आपने देखा आप इसी प्रकार से अपने ट्रेन के टिकट को कैंसिल करके आप अपने अमाउंट को वापस पा सकते हैं। यहाँ पे आपका पूरा पूरा अमाउंट नहीं आता, इसमें कुछ अमाउंट जो है आपका माइनस होके आता है। अगर आपने ATM कार्ड से ये टिकट बुक किया हुआ है तो वो ATM कार्ड जिस बैंक से लिंक है उस बैंक में डायरेक्ट आपका पैसा आ जाता है। ये पैसा आने में 7 दिन लगते हैं, यानी 7 दिन के अंदर अंदर आपका पैसा आ जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं होता पैसा आने में, ये आपका जो है पैसा आ जाता है। और इसके बाद आप जिस अकाउंट से निकाले हैं ये ट्रेन टिकट ऑनलाइन उसी अकाउंट में लॉगिन होना है, और लॉगिन होने के बाद आप उसी अकाउंट में ये सारा शो हो जाएगा, आपने जो टिकट निकाला हुआ है उसी अकाउंट में आपका दिख जाएगा। आप इसी प्रकार से वहां पे जाके कैंसिल कर सकते हैं। हालांकि मैंने ये खुद IRCTC के ऐप में जाके इसे कैंसिल किया, या आप IRCTC के साइट पे जाके वहाँ पे लॉगिन होंगे अपने यूजर आईडी पासवर्ड से, आप वहाँ पर भी जो है इसे कैंसिल कर सकते हैं वहाँ से भी। तो आप इसी प्रकार से अपने टिकट को कैंसिल कर सकते हैं और आप अपना जो है रिफ़ंड पा सकते हैं।